नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोस्ट स्टडी की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे पोस्ट ऑफिस का जो नया IFSC कोड है, जो कि दोस्तों इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से बिल्कुल अलग है, उसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें, और दोस्तों अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, पोस्ट ऑफिस में दो प्रकार के अकाउंट खुलते हैं। पहला है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, दूसरा है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पहले बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, तो इसको दोस्तों आप पोस्टमैन के थ्रू भी खुलवा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के फॉर्म देने की आवश्यकता नहीं होती है, ये मतलब पेपरलेस होता है, इसमें आपको कोई भी पासबुक इशू नहीं होती है। सेकेंडली बात करते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक की, तो इसमें दोस्तों फॉर्म की आवश्यकता होती है और इसमें आपको पासबुक भी इशू होती है। अब दोस्तों सेकेंडली हम बात करेंगे IFSC कोड के बारे में, जो कि इस वीडियो का मेन उद्देश्य भी था। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। तो इसका जो IFSC कोड है मोस्टली सभी को पता है, IPOS 6x0 और 1, तो ये आप सभी को पता है, डिस्प्ले पे भी शो हो रहा होगा। नेक्स्ट बात करेंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के बारे में, तो इसका जो IFSC कोड है IPOS 4x0 DOP, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, अगर आपको ये सब पता नहीं होता तो आपकी पेमेंट दोस्तों अरे परे हो सकती है। जो पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक का जो IFSC कोड है दोस्तों, ये स्टार्ट हो जाएगा 1 मई 2022 से स्टार्ट हो जाएगा, और जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का IFSC कोड है ये दोस्तों बहुत पहले से चल रहा है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों आपको मिले सबसे पहले। तो थैंक फॉर वॉचिंग।